अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक और प्रॉपर्टी डील लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त घर है, मैं आपको बताता चलूँ। 60 गज़ का ये घर है, बहुत अच्छा बना हुआ है। चार बेडरूम है, 2 बाथरूम है, और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ, घर की एलिवेशन आप देख रहे हैं कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है बाहर से। अंदर जब आप देखेंगे तो खूबसूरत से PVC पाइप लगे हुए हैं जो नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन मौजूद हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि बहुत खूबसूरती से घर में काम कराया गया है। मटेरियल जो यूज़ किया गया है जेन्युइन मटेरियल है, बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है। हर चीज़ को जोड़ने में जिस तरह से सॉल्यूशन को इस्तेमाल किया गया है, इतना ज़्यादा हर चीज़ को फिक्स कर दिया गया है कि चीज़ों के टूटने का इम्कान ना मौजूद हो। तो बहुत अच्छे तरीके से ओनर ने इस घर को बनाया। मैं आपको ये बताता चलूँ, इसकी डिटेल्स आपको दे ही रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत घर है। 40 गज़ का है, 2 बेडरूम है, 2 बाथरूम है, और इसमें आप बस आएँ और रहना शुरू कर दें। ग्राउंड प्लस वन है। और उसके साथ साथ जो है, मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो है इस घर की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये 4 बेडरूम है, इसमें 2 बाथरूम है, 60 गज़ का ही है। और उसके साथ साथ इसमें जो है, मैं आपको ये बताऊँ कि जो सेकंड है, यानी 4 रूम है, 2 ग्राउंड पे हैं, 2 फर्स्ट फ्लोर पे हैं, किचन ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है, 2 बाथरूम है, इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है, गैस भी अवेलेबल है। पानी इस घर में नहीं आता है, उसकी वजह यह है कि पानी यहाँ पे लोग खुद ही डलवा लेते हैं, तो पानी को इस घर में देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लोग जो है बग़ैर पानी के भी यहाँ पर रह लेते हैं। मेरे ख्याल में इस घर में इतने हवादार घर हैं कि लोगों को नहाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, तो पानी का ख़र्चा कम हो रहा है। तो पानी इस घर में मौजूद नहीं है। टैंकर के ज़रिए कुछ लोग पानी मंगवा के इस्तेमाल करते हैं, और वो टैंकर डलवा लेते हैं और जो है उसी से पानी भी आ जाता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक मौजूद है, ये बहुत अच्छी बात है। और प्राइस जो इसकी ये ओनर दे रहे हैं वो तकरीबन फ़ाइनल है। ड्राइंग रूम मौजूद है, स्टोर रूम भी मौजूद है। शिराज साहब इसके ओनर हैं, खूबसूरत आदमी है, बहुत अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने इस घर को बहुत ही अहसन तरीके से बनाया है। 60 गज़ का ये घर है। मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये इलाका जो है 32C कोरंगी 1.5 नंबर का है, बहुत अच्छा घर है। गुलजार कॉलोनी का आपने नाम सुना होगा, और जो है इसकी ओनर डिमांड कर रहे हैं 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपीज़ डिमांड है। आप चाहे तो उनको कॉल करें और कहें बहुत अच्छा घर बनाया, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने तो जो है बहुत अच्छा अंडरग्राउंड वाटर टैंक रखा हुआ है। तो वो कहेंगे कि ठीक है, आपको अपनी नेगोशिएबल ऑफ़र दे दें, अगर मुझे समझ आती है तो मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा, अपना नंबर नाम के साथ व्हाट्सएप कर दें। तो हो सकता है आपकी उनसे दोस्ती हो जाए, और इस घर लेने के बाद भी आप लोग फिर आराम से चाहे को होटलों पर बैठ सकें, और रोज़ाना आप उनके घर की तारीफ़ करेंगे कि आज मैं उस दीवार से टेक लगा के खड़ा हुआ, आज मैं उस दीवार से टेक लगा के खड़ा हुआ। तो वो शराज साहब कहेंगे कि ठीक है, आप किसी भी दीवार से टेक लगाएं, मैंने आपसे दोस्ती घर की तारीफ़ सुनने के लिए नहीं की थी, मैं तो चाहता था कि आपको एक अच्छा घर मिल जाए, वो मैंने आपको नेगोशिएबल ऑफ़र जो आपने दी उसमें बेच दिया। तो नाज़रीन, ये घर बहुत अच्छा है, आप चाहें तो उनसे डील मैच्योर करें, शराज साहब को कॉल करें और इस घर में शिफ्ट होने का सोचें। अगली वीडियो में एक और प्रॉपर्टी डील के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।